कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, इसलिए किसी भक्त ने मुझे कहा कि हमारे कार्तिक मास का महात्म्य आप कुछ सुनाइए। तो कार्तिक मास के विषय में अलग अलग ग्रंथों में बहुत विशेष महिमा लिखी है। और कैसे जागना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उन सब का बात लिखी है। श्रवण करते हैं कार्तिक मास के विषय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयं मुदीरे मुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। श्री ऋषिगण बोले, सूत जी हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगतगुरु ब्रह्मा जी से पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता, तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, कृपया करके बतलाइए। आज जैव धर्म नहीं पाठ कर रहा हूं, थोड़ा मन में आया कि कार्तिक मास के विषय में हम लोग श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक मास, देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। क्यों? कार्तिक मास तो हमेशा ही आता है, भगवान विष्णु तो सर्वत्र पूज्य हैं, बद्रिकाश्रम तो कोई भी जा सकता है, दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसलिए हैं कि अभी कार्तिक मास में जो नियमावली है उसको कौन पालन करता है? कोई लाखों में से, करोड़ों में से एक आदमी जो नियम से पालन करता है, इसलिए दुर्लभ। भगवान विष्णु की आराधना निस्वार्थ होकर के कौन करता है? भगवान विष्णु के प्रत्यर्थ, उनकी प्रीति के लिए कौन करता है? वो करोड़ों में कोई एक है। ऐसे ही बद्रिका आश्रम, नारायण तीर्थ, बद्रिका आश्रम में जाने वाले तो वैसे ही दुर्लभ लोग, गंगोत्री तक ऐसे ही, गंगोत्री से होकर आ जाते हैं। बद्रिका आश्रम जा करके गंगोत्री जाना, बद्रिका आश्रम में बैठना, वहाँ हरिकथा श्रवण करना, वहाँ भगवान का गुणगान गाना, ऐसा गाने वाले, कीर्तन करने वाले, सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। तो बद्रिका आश्रम में भी जाना नहीं होता, भगवान विष्णु का आराधन भी नहीं होता और कार्तिक मास का पालन भी, इसलिए तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा सर्वदा प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता, उनके उद्देश्य से किया गया पुण्य, पुण्य होता उनके उद्देश्य से किया गया, हाँ पुण्य उसे कहते हैं जो पवित्र क्रिया है, पुण्य है। पाप और पुण्य, ये दो शब्दों के कारण से कई बार पुण्य का अर्थ हम केवल पाप पुण्य वाला पुण्य लेते हैं, लेकिन पुण्य भगवान का ही है नाम, पुण्य श्लोक भगवान का एक नाम है। तो भगवान पुण्य श्लोक है, जिनका ऐसे पावन करने वाले हैं, जिनको महान आत्माएं जिनके गुणगान गाती हैं उनका नाम है पुण्य श्लोक। तो इसलिए
मैं देखता हूं उसका नाश नहीं होता, किसका, उन कर्मों का। नारद, ये मनुष्य जोनी दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े, वापस नहीं आना पड़े, ऐसा रखे। कार्तिक सब मासों में से उत्तम है, ये पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम, पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन, पुण्य नाम पुण्य पावनम पावना नाम। और इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं, 3300 देवता। इसमें किए हुए स्नान दान भोजन व्रत तिल धेनु सुवर्ण रजत भूमि वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं वो लोग जब आ जाते हैं धरती पर इस महीने में। क्यों आते हैं? अभी पितृ श्राद्ध गया, उसके बाद देवी का आवाहन हुआ नवरात्रों में, तो उनके आवाहन के बाद में देवता लोग भद्रिका आश्रम की सेवा के लिए, भगवान नारायण की सेवा के लिए इस धरती पे उतरते हैं कि अब हमें सेवा मिलने वाली है, उनके लिए कुछ ही समय में मिल जाएगी, तो इसलिए वो इन महीनों में प्रकट हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। बंद रहता है ना, तो इसलिए भी आखिरी उनको शयन स्नान, भगवान को पूरी तरह भगवान की शयन के लिए पूरी तैयारियां करेंगे। अब कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है उसे तप, जो भी तप किया जाता है उसे सर्वशक्तिमान भगवान ने अक्षय फल देने वाला बतलाया। भगवान विष्णु ने बोला कि इस कार्तिक में जो हम व्रत करेंगे, जो तप करेंगे, अक्षय फल देना। अक्षय फल क्या होता है? अक्षय फल का मतलब है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। एक तो अर्थ हुआ कि कभी क्षय ना हो, नष्ट ना हो, तो ऐसा तत्व क्या है जो नष्ट ना हो? केवल एक भगवान, वो भगवान को देने वाला है। भगवान विष्णु के अदृश्य से मनुष्य कार्तिक में जो दान देता है वो भी अक्षय रूप हो जाता है, अर्थात वो दान भी भगवान के पास चला जाता है। उस समय अन्न दान का महत्तम अधिक है, उसको किया था ओटी जी, किया, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है उसे अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह कार्तिक मास में प्राप्त हुआ, कार्तिक मास में मिला अन्न, ऐसा सोचकर जो उसे पराया अन्न है, दूसरे का अन्न है, त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अतिकृच्छ मतलब बहुत ही कष्ट से साधन किया गया फल यज्ञ। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ना कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। इसी प्रकार अन्न दान के सदृश्य कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। जो दान करने वाले लोग हैं, मतलब इन दिनों में दान भी करना चाहिए और दान लेने वाला भी थोड़ा समर्थ होना चाहिए। तो जो दान दे उनके लिए स्पेशली बोला है, दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय उपार्जित हो, अन्याय से जो धन एकत्रित किया है उसका सही नहीं, कहते उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। जो न्याय से उपार्जित धन है उसको दान करना चाहिए। वो क्या है?
न्याय से उपार्जित, जो आपको अपनी सेवा के लिए प्राप्त हुआ धन है वो न्याय उपार्जित धन है। जैसे वृद्ध है, वृद्ध को पेंशन मिलती वो न्याय उपार्जित है। जैसे किसान है, उसकी अपनी मेहनत से जो अन्न बनाया है, एक नियम बन गया कि हाँ इतना पैसा मिलेगा, वो न्यायोचित है। दुकानदार है, वो इन दिनों में एक महीने की सेल लगा दे कि भाई जो माल मिलता था इतने परसेंट पे, वो बिल्कुल मिनिमम परसेंटेज पे मिलेगा, तो न्यायोचित हो जाएगा। नहीं समझे कैसे? मान लो 200% कोई लेता था, अभी दवाइयों वाले ऐसे करते हैं 600-700-700% मतलब दवाई 7 रुपए की है, वो 70 रुपए की दे रहे, कितना हो गया, कितने गुणा हो गया, 7 की 70 की है तो उसको 100 की देना शुरू करो। हाँ भाई, तो ये न्यायो उचित न्यायो उपार्जित धन है, कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता, करने वाले करते थे। इसीलिए राजाओं को, कई राजाओं का कार्तिक मास में नाम आया, उन्होंने जो भी टैक्सेस लेने, जो भी उन्होंने कर लेने, उन करों को कार्तिक मास में दान के अंदर लगाना। आप देखिए, उन लोगों का सुना होगा आपने कि वो लाखों गाय दान कर रहे हैं, करोड़ों ये कर रहे हैं, क्या करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो भी लिया हुआ होता है उसमें जो कर लिया होता है, कई बार किसी से, राजा को तो पता नहीं, मंत्रीगण किसी से जबरदस्ती कर ले रहे हैं, उसको कष्ट मिल रहा है, वो सारे का सारा पाप किसको लगेगा? राजा को लगेगा। तो वो क्या करता है, उस सारे धन को दान कर देता है, जो साधु हैं, ब्राह्मण हैं, उनको दान कर देता है, जिससे, और जितने भी कर हैं इन महीनों में क्षमा कर देता है, कोई भी करने देना होगा ऐसा। तो ये न्यायोचित कहते, ये और भी दुर्लभ है, ये मतलब आसान नहीं। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में श्री शालिग्राम का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक, जो नहीं कर सकते दान, नियम से भगवान नामों का स्मरण करें। कार्तिक मास में ये बात विशेष रूप से है, कई बच्चे हैं, कमाते तो हैं नहीं, माता पिता के डिपेंड्स हैं, कई माता पिता हैं, पैसे तो हैं नहीं, दान कहाँ से करेंगे? तो सर्वोत्तम दान क्या है? भगवान नाम। कैसे करना? उच्चारण करना। उच्चारण करने से जो क्लाइमेट है, वातावरण है, उसमें भगवान के नाम का प्रभाव जो है वो फैल जाएगा। इस तरीके से कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव मंदिर और विष्णु मंदिर ना हो तो किसी देवता के मंदिर में जागरण करें। शिव मंदिर को विशेष रूप से क्यों बोला? क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णव के पास या विष्णु के पास में भगवान के नाम को स्मरण करें, जागरण करें। फिर भी अगर दोनों ही देवताओं का, दोनों ही प्रभु का मंदिर नहीं है तो किसी भी देवता के मंदिर के पास में, क्यों? क्योंकि वो देवता भी इसीलिए देवता है कि वो भगवान विष्णु का आराधक है। यदि दुर्गम वन में स्थित हो तो विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे बैठ करके, अथवा तुलसी जी के वन में, तुलसी जी के पास बैठ करके जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल स्नान ना कर सके
तो भगवान के नामों से मार्जन मात्र कर ले। बीमार है, रोगग्रस्त है, तो वो भगवान का नाम लेते हुए गोविंद गोविंद मार्जन कर लो। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ है, व्रत करने वाला आखिर में उद्यापन नहीं कर सकता, तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करा दे, वो ब्राह्मणों को भोजन करा दे, इसमें हो जाएगा उद्यापन। नहीं अगर करा सकता, इतना भी समर्थ नहीं है, तो जो भोजन कर रहे हैं उनकी सेवा करें, पत्तल उठा दे, पोछा लगा दे, ऐसा करो। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो, तो देखिए कितनी बड़ी बात कह दे, किसी की इतना भी अगर कोई गरीब है दीप दान नहीं कर सकता, कहते बुझे हुए दूसरे के दीप जला दे, कितनी प्यारी बात है, बहुत सुंदर। अथवा हवा इत्यादि से उसकी रक्षा कर ले, किसी और के दीपक की हवा इत्यादि से रक्षा कर दे, उसकी रक्षा करने से भी दीप ज्वलन का फल मिलता है। देखिए ये बात होती है कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो है ना, ये दान पुण्य सब धंधे बना रखे हैं ब्राह्मणों ने, ऐसी बात नहीं। शास्त्रों की बातें समझनी बड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात कही कि ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति है करे, बात यह कि जब वो करेगा तो उसके जो कर्म फल हैं, जो दुर्भाग्य उसके इस जन्म में मिला है कि उसको समर्थ नहीं मिला है सेवा का, उसे समर्थ मिल जाएगा। भगवान देखेंगे, देखो खुद का नहीं है, दूसरे का बचा रहा है। भगवान ना भी देखें एक बार की बात, देवताओं को दिखाई देगा, क्योंकि देवता तो इस धरती पर आए हुए होते हैं, देखते अरे स्वयं के पास नहीं रक्षा कर रहा, तो वो एक कृपा दृष्टि होती है जिससे इस जन्म में तो दुर्भाग्यवश जो हुआ सो हुआ, अगला जन्म सुधर जाता है। ऐसे ही होता है, आप लोग जो देखते ना कई बड़े दानी बने हैं, जब बहुत बड़े बड़े सेठ हो गए और बड़ा दान करते हो, कैसे करते हैं, हो सकता है पहले जन्मों में उन्होंने दुर्भाग्यवश अगर ऐसा समय आया हो, उन्होंने ऐसा कुछ किया हो सुन करके महिमा को कार्तिक की, तो कार्तिक व्रत की महिमा सुन करके अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है अपने शरीर से, दूसरे जो साधक हैं जो लोग हैं उनकी मदद करता है, सेवा करता है, तो उसको नेक्स्ट जीवन में अगले जन्म में सामर्थ्य प्राप्त होता है, ये बात। और भगवान के लिए करे तो अक्षय फल, समर्थ है तो भगवान के लिए करे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर, मतलब उसका ये समर्थ नहीं है कि वो भोग लगा सके, जहाँ राग कुछ ऐसा कर सके, ऐसा समर्थ नहीं है, तो कहते हैं तुलसी जी अथवा आंवले पर भगवत बुद्धि से पूजन करो। तुलसी जी को ही भगवत स्वरूप मान करके उनका पूजन, कैसे उनका पूजन करेगा, दीपक जला के नहीं, उनके मिट्टी को थोड़ा कुदेर करके सुंदर सा करके उनको जल से स्नान इत्यादि करा के करेगा। और अगर उसका ऐसा भी समर्थ नहीं है कि वो तुलसी जी की आरती करने के लिए, जैसे दीपक वगैरह जलाने के लिए नहीं है, कहते कोई बात नहीं, मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहे। मैं गुरुजी नहीं हूं, पहले बता दूं, कल एकादशी मारूंगा नहीं, आज छोड़ूंगा नहीं। मच्छर जो है ना, गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कोई उल्लंघन ना करे, ये एक अद्भुत बात, गुरु के आदेश प्राप्त होने पर उनके वचन का उल्लंघन कभी ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए, आज्ञा है दे दी आज्ञा ऐसा करो, लेकिन क्या करे, कर नहीं सकता, तो गुरु की शरण में जाओ, आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते तो मना है। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से ही अमृत प्राप्त हुए हैं,
इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु सेवा करें। एक बार मेरे को याद आ रही, कार्तिक मास में चंडीगढ़ में संगरूर में एक प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। ना ना, गुरु जी के टाइम की बात है। हाँ ना, उस समय तो कार्तिक मास नहीं, कार्तिक मास की बात है। तो उसमें ये लोग आए ना, संगरूर वाले नहीं, सनोर वाले आए। गोपाष्टमी को लेकर के कि उसका कोई प्रोग्राम है, गुरुजी के पास आए। मैंने, मेरे को बोले महाराज जी ऐसा ऐसा प्रोग्राम, आप कृपा आओ, ये फलाना ढिकाना। तो मैंने कहा भैया देखो, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, गुरुजी विराजमान है। कहते ऐसे गुरुजी नु कह देंगे। मैं कह जी गुरुजी बोल देंगे तो मैं चला जाऊंगा। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को प्रणाम करके बोल दें महाराज जी भगवान दास जी ने भेज दो। मेरा नाम भगवान दास था पहले, भगवान दास जी को हमारे साथ भेज दो। कहाँ? कहते महाराज जी सनोर। वो तो गए, उनको तो गुरुजी ने बोल दिया जो बोलना था। ये जाना चाहे तो जा सकता है, ऐसा कुछ बोला, मेरे को शब्द याद नहीं। फिर उसके बाद आए बसी पठाना वाले, बसी पठाना परम गुरु जी भी गए थे, गुरु जी भी गए थे। वो आकर के बोले कि महाराज जी गौशाला का प्रोग्राम भगवान दास जी को भेजो, नगर कीर्तन वगैरह प्रभात फेरियाँ वगैरह करनी। तब गुरु जी ने बोला ये जाना चाहे जा सकता, हम तो गुरु जी को छोड़ के कार्तिक में कहीं गया नहीं। मेरे को मतलब हंसी सी आई कि मेरा गुरु महाराज जी आदेश नहीं दे रहे हैं कि तुम चले जाओ या यहीं रहो, आदेश नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आदेश देंगे नहीं जाना और ये चला गया तो अपराध हो जाएगा। नहीं जाना है ऐसा बोल दिया तो इसका मन ना खराब हो जाए। हम तो गुरु जी को छोड़ के करते, मठ से बाहर नहीं गया, मठ में तो रहा, साधु संघ में रहा, ऐसा करके कृष्ण। मैंने कहा सुन लिया। उनको मारे थानू कितने छड़ के जा रहे। वो आ जाना, मारे एक दिन की गल है। गुरु जी चुप हो गए। मैं कहा अच्छा आ जाओ, मैं कहा बाहर आ जाओ। मैं कहा तुम लोग को समझ नहीं आता, गुरु जी डायरेक्ट नहीं बोलते नहीं जाना। गुरु जी का स्वभाव ऐसा था, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे नहीं जाना। उन्होंने बोला हम गुरु जी को छोड़ के नहीं गए कार्तिक मास। तो यहां कहते हैं गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति ने, गौतम ने गुरु जी की सेवा प्राप्त करके अमृत प्राप्त किया। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक मास में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब भगवान की सेवा। यहां मोक्ष का मतलब सायुज्य मुक्ति नहीं, सामुप्य सालोक्य शास्त्री सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति। सब दानों से बढ़कर आगे बोलते हैं कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, उससे अधिक विद्यादान से भी अधिक गोदान का महात्म्य है, और गोदान से बढ़कर अन्नदान का, क्योंकि समस्त संसार अन्न के आधार पर जीवित रहता है। इसलिए मैंने देखा था कि कार्तिक मास में कोई कोई भक्त जो है कार्तिक मास में उत्सव करता है कि आज का भंडारा महाराज जी हमारी तरफ से, आज का हमारी तरफ से, आज का हमारी तरफ से, ऐसा करते थे गुरु जी के टाइम पे। क्योंकि इसलिए कार्तिक मास में अन्य दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु सारूप्य अपने समान उसको रूप प्रदान करते हैं और मोक्षदायक पद प्रदान करते हैं। रूप मतलब जैसे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म धारी हैं, ऐसे भगवान उसको
सारूप्य गोलोक में भी होता है, नहीं होता? गोलोक में ही वास्तविकता में सारूप्य होता है, और जगह सारूप्य मिलता ही नहीं। गोलोक में कैसे सार, कृष्ण गोप वेश है, जीव को गोप वेश मिल जाता है, गोप बन जाता है, गोपी बन जाता है, गोपाल गोप गोपी। बाकी जगह पे विष्णु रूप प्राप्त होने पर भी विष्णु नाम नहीं मिलता। इसमें छोटे बच्चे हैं तो गोपाल लाला रे आजा, और सभी जो गोलोकवासी हैं वो सारूप्य ही प्राप्त करते हैं। भगवान जैसे दुई मुरली दुई भुज मुरलीधर हैं, ऐसे सखा भी कोई मुरली बजा रहा है, कोई चिंगा बजा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो सारूप्य गोलोक का सारूप्य भी प्राप्त होता है। कहते हैं कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, चंदन लगा के भोजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न कंबल आदि देने चाहिए, ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन जूता छाता भी देना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों को नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है, नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा श्रवण, विष्णु का दर्शन, नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। आज जो आप 800 करोड़ लोग देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी चल रही है क्या? अपने फोन पे चेक नहीं किया? कहते हैं वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। कहते जो भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते, कल्पना कीजिए 800 करोड़ मनुष्य, 700 से 800 करोड़ मनुष्य हैं, और उन मनुष्यों में क्या सारे नरक के कुंड में गिरे हुए हैं? सोचने वाली बात है ना, क्या सारे के सारे जो हैं कलयुग की कंदरा में गिर के नष्ट हो गए, 700 से 800 करोड़ मनुष्य? ऐसा तो नहीं है, फिर ऐसा बोलने का क्या तुक बनता है? कहते वो नष्ट हो गए, लुट गए, इसका मतलब ये है कि उन्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी उन्होंने इस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना नहीं की। अब ना जाने किस कीड़े की जूने में, किस पशु की जूने में वो लोग डूब के कर गिर गए। कलयुग में इतनी कृपा हुई है कि कार्तिक मास को करने से, इसमें भगवत पूजन करने से जीव का उद्धार हो सकता है, लेकिन अपना ये उद्धार ना करके ये सारे किसे 800 के 800 करोड़ जी, उनमें से 1 करोड़ लगा लो मैक्सिमम, 50 लाख और भी कम करने में 10 लाख 20 लाख लोग, इतने ही लोग जो हैं कार्तिक में सब पूजन वगैरह करते हैं। आप 1 करोड़ लगा लीजिए मैक्सिमम, 700 में से 1 करोड़, 700 करोड़ में से 1 करोड़ मनुष्य भगवान का भजन पूजन इत्यादि भगवान विष्णु का, देवी देवताओं का करता है। बाकी हमारे शरीर में कितने करोड़ों खरबों अरबों जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं ना कृमि, ये लोग उसी जीवनी में जाते हैं, उसी योनि में जाते हैं। हर दिन करोड़ों लोग जन्म ले रहे हैं, हर रोज करोड़ों लोग मर रहे हैं। जो लोग भगवत आराधना के बिना जा रहे हैं वो इसी प्रकार से कृमि इत्यादि बन रहे हैं, ये बात ऐसे ही नहीं कह दी है। इसलिए भगवत विष्णु, भगवान विष्णु की आराधना के लिए शास्त्रों में विशेष बात कही गई है। कहते हैं जो मनुष्य कमल के
एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। लीजिए, एक तरफ है वो अपने पुण्य को खत्म कर रहे हैं और एक तरफ एक कमलापति भगवान को उनको कमल का फूल अर्पण कर देता है। विशेषता है कि कमल के फूल लगभग इसी समय में विशेष रूप से खिलते हैं। चौमासे में कमल के फूल बड़े विशेष रूप से खिलते हैं। कार्तिक में तो जो सफेद कमल का फूल है बड़े विशेष रूप से खिलता है। तो आगे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 100,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, 100,000 तुलसी के पत्ते चढ़ाकर भगवान की पूजा करता है, वे एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है जो भगवान के श्रीअंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में मस्तक पर शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन, निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन, वे मनुष्य समस्त रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। ये नई चीज सुनी। निर्माल्य किसे कहते हैं? भगवान को जो अर्पण किए पुष्प हैं, साइलेंट नहीं कर सकते, भगवान को अर्पण किए जो पुष्प हैं, अपने फोन से फोन कर लो, भगवान को अर्पण किए पुष्प हैं, माला है, चंदन है, इस सब को हम उठा करके जो फेंक देते हैं, फेंक तो नहीं देते, विसर्जन कर देते, मतलब छोड़ देते हैं, कहते हैं उनसे अगर कोई व्यक्ति अपने अंगों का मार्जन करता है, अर्थात उसकी पेस्ट बना करके या उसको ऐसा कुछ उपलेपन बना करके कोई अपने अंगों का मार्जन करता है, उसको समस्त रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। कई चीजें पहली बार पढ़ने को मिल रही। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक चंदन, धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार के आओ और ये सब कर लो, सब पाप खत्म है। नाम वाले पाप बुद्धि, अच्छा, ऐसा ब्रह्म हत्या का मतलब होता है। ब्रह्म हत्या किसे कहते समझ लीजिए, जिन्हें दीक्षा प्राप्त हुई है वो लोग अगर ब्रह्म गायत्री का जप नहीं करते किसी दिन, ब्रह्म गायत्री को छोड़ देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म गायत्री को छोड़ करके जो व्यक्ति भोजन कर लेता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसी ब्रह्म हत्याएं। और प्राक्तन जन्म में कोई कभी किसी भी ब्राह्मण के अन्न को छीनने वाला है वो ब्रह्म हत्या है, समझे ने? और भगवान के नामों की निंदा करने वाला, ब्रह्म नाम का, ब्रह्म शब्द का, शब्द ब्रह्म की निंदा करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या है। प्रैक्टिकली ब्रह्म की हत्या नहीं होती है, ब्राह्मण की हत्या नहीं होती, लेकिन उसका अपमान ही हत्या के समान है। इसलिए ऐसे पापों से कोई उन्हें उद्धार नहीं कर सकता, केवल मात्र कर सकता है तो क्या, भगवान का निर्माल्य पुष्प जो है वो चंदन, चरणोदक, भगवान का धूप दीप जो अर्पण होता है उसको ग्रहण करना। कहते हैं प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान करें, क्योंकि सब दानों में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता, अन्न से ही बढ़ता, अन्न से समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है।
अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्य केतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से संपुण्यों का फल प्राप्त कर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो उस दान वो दान कभी पवित्र नहीं होता। बहुत दान कर रहा है भगवान का नाम नहीं कर रहा, चिंतन नहीं कर रहा, तो सारा दान बेकार है। दान करने से नहीं होगा, केवल दान के साथ भगवान का नाम करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भगवान के नाम की महिमा है, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाने, गोविंद गोविंद रथांग गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे नित्य प्रति। भागवत के आधे श्लोक चौथाई श्लोक का भी कीर्तन श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पढ़े। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख से मुख रूपी अग्नि से अन्न को आहुति नहीं दी, ब्राह्मणों की मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही गया। देवर्षि मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता पाठ करता है, जो मनुष्य उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मुझमें शक्ति नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है ना होगा, एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली, मोक्ष देने वाली है। बोलो गीता, भगवत गीता की जय। ये बात आगे कहते हैं, कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम क्या हैं? इसको ये जो नियम है पालन करने वाले, इन नियमों को आज शाम को मीटिंग है, जूम मीटिंग 8:30 बजे शायद 8:30 बजे है। क्यों प्रभु जी पाठ नहीं करेंगे? जूम मीटिंग है तो उसमें ये हम शाम के समय कार्तिक मास में जो पालन करने वाले नियम हैं उनको बोलेंगे। इसमें से जो जितना पालन कर सकता है पालन करेगा। अभी थोड़ा सा बोल दें, मूल मूल बोल देते हैं, जड़ जड़। कार्तिक मास में बहुत सी चीजें खाना निषेध है, जैसे बैंगन, लौकी जिसको घिया बोलते हैं, टमाटर, परमल, जितनी भी प्रकार की फलियां हैं, बीन्स बोलते हैं जिसे, फली बीन्स, उसके बाद में सरसों तेल नहीं खाना, ये सब नहीं खाना। राजमा, माँ, ये सब दालें, माँ की दाल जिसको राजमा बोलते हैं और एक उड़द की दाल बोलते हैं, ये सब नहीं खाने। ये ध्यान रखना है, इनको नहीं जो लेना है, और जो लेना है उसको फिर बाद में श्रवण करिए। वंशा कर्तृ शुक्रवास हरिहराय नमः।